हेलो फ्रेंड्स, बालाजी बॉम्ब में आपका स्वागत है। माई सेल्फ केशव बंसल, और आज हम एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथस। तो प्लेटी हेलमिंथस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो है सबसे पहले जनरल करेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। देन हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम, जो इसकी सिस्टरोडा क्लास होती है उसके अंदर टीनिया सोलियम एक एग्जाम्पल है। ये क्लास सिर्फ पैरासिटिक होती है, मीन्स जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे सिर्फ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उनका, और उसके अंदर एक एग्जाम्पल होता है टीनिया सोलियम पॉर्क टैपवॉर्म। ये एक डायजेनेटिक पैरासाइट है, यानी दो होस्ट होंगे इसके। एक तो प्राइमरी होस्ट मैन होता ही है, जिसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और बाकी पॉर्क होता है जिसके अंदर, उसे हम इंटरमीडिएटरी होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एनिमल डाइवर्सिटी में प्लेट एलिमेंथस फाइलम। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम सबसे पहले। तो जो प्लेट एलिमेंथस है, सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आता है कि पैरासिटिक होते हैं, बट ये सिर्फ पैरासिटिक नहीं होते, ये फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल होगा, ऑर्गन्स यानी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, यानी पता है ऑलरेडी डिवाइड किया दो में सेंटर मिड लाइन से, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, यानी ऊपर और नीचे से चपटे होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जर्म लेयर्स को अगर हम देखें तो सबसे आउटर क्या होती है, एक्टोडर्म होगी, सबसे मिडल में मीजोडर्म होगी, और सबसे इनर मोस्ट एंडोडर्म होगी। ठीक है, ये जर्म लेयर होती है, ये सारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनके प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उन्हीं से ओरिजिनेट करते हैं। तो ये जब ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात रही एसिलोमेट की। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एसिलोमेट यानी बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, कि बॉडी ट्यूब है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, मीजोडर्म प्रेजेंट है, और एक्टोडर्म प्रेजेंट है, बीच में कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, इसे कहेंगे हम एसिलोमेट, जो कि आपका प्लेटेलमेंथस है। अगर हम होगा सुडोसिलोमेट, तो सुडोसिलोमेट में कैविटी प्रेजेंट होती है बट वो मीसोडर्म से लाइन नहीं होती। ठीक है, बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी बट मीसोडर्म से लाइन नहीं होगी। लेकिन जो होते हैं सिलोमेट, सिलोमेट में क्या होगा, बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है और वो मीसोडर्म से लाइन है। क्लियर? ये मान लो ये आपकी मीसो, फॉर एग्जाम्पल ये पिंक कलर में आपकी मीसोडर्म हुई। ठीक है, ये मीसोडर्म है और ये भी मीसोडर्म है, और ये हो गई एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म से कवर्ड है बॉडी ट्यूब। तो ये जो बॉडी कैविटी है, येलो से जो मैं शो कर रहा हूँ इसके अंदर, ये जो बॉडी कैविटी है, ये अब देखो मीसोडर्म से लाइंड है ना? तो ये कंडीशन होती है सिलोमेट की। ठीक, अब ये चीज़ मैं आपको इतना क्यों बताया, सिर्फ सिलोमेट क्यों नहीं बताया, बिकॉज यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है, ये क्वेश्चन आता है के बारे में सीक्यूज के अंदर, कि ऑप्शन दे देते हैं कि किसमें फर्स्ट टाइम सिलोमेट सिलोम अराइज करे, टू सिलोम। ठीक है, और ऑप्शन देते हैं एनिलिडा का एग्जाम्पल दे दिया, कोई कोई प्लेटी हेलमिंथस का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, एस्के हेलमिंथस का दे दिया, फिर कोई किसी और का दे दिया। तो क्या होता है, जो प्लेटी हेलमिंथस है, प्लेटी हेलमिंथस में क्या है, ए सिलोमेट। ठीक, ए सिलोमेट। जो एस्के हेलमिंथस है उसके अंदर क्या है, सूडो सिलोमेट। सूडो यानी जो हमने अभी पढ़ा है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। फिर आपका आता है एनेलिडा। एनेलिडा में फर्स्ट टाइम क्या आती है, ट्रू सिलोम आती है, यानी ट्रू बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड हो गई। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। तो वापस प्लेट एलिमेंट्स पे आते हैं। प्लेट एलिमेंट्स में ट्रिपल ब्लास्टिक एंड ए सिलोमेट। ठीक, अगर हम बॉडी शेप की बात करेंगे तो बॉडी शेप लीफ लाइक भी हो सकती है, लीफ लाइक हो सकती है, रिबन लाइक हो सकती है, ठीक है, फ्लैटेंड हो सकती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो सकती है, और जो बॉडी होगी, बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, यानी सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे बॉडी में। ठीक, कि सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, क्लास सिस्टोडा में। जैसे हम देखेंगे टैपवॉर्म की जो बॉडी है, टैपवॉर्म की बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। वो भी फर्दर डिवाइडेड है तीन टाइप में, आपके
जो यंग होंगे, फिर मैच्योर होंगे, और ग्रेविड प्रोकैरियोट्स, तो उन सेगमेंट्स को जो सिर्फ क्लास स्टोडा में प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। लेकिन जो पूरी प्लेटीहेलमिंथेस है वो अनसेगमेंटेड है, जो इसके रिमेनिंग क्लासेस हैं, ठीक है, जो ट्रिमेटोडा ट्रिबुलेरिया है उसके अंदर कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है उनके ऑर्गेनिज्म में। फिर बात करते हैं कि जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होती है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि सारी पैरासाइटिक नहीं होती, कुछ फ्री लिविंग भी होती हैं, वो हम देखेंगे। एक पूरी क्लास जो ट्रिबुलेरिया क्लास है वो पूरी की पूरी फ्री लिविंग स्पीशीज है उसके अंदर जितने भी हैं, ठीक है, और ऐसे सिस्टोडा कम्प्लीटली पैरासाइटिक है, और जो ट्रिबुलेरिया है ट्रिमेटोडा है सॉरी, जो उसके अंदर आपकी वो मोस्टली पैरासाइटिक है, बट फ्यू फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी उसके अंदर हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। हुक किस लिए? अटैचमेंट के लिए, और सक जो भी न्यूट्रिशन होगा सक करेंगे, पैरासिटिक का काम यही है ना। तो इसलिए ये बात हमें ये भी ध्यान रखनी है, इसके अंदर हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है किसके अंदर? पैरासिटिक फॉर्म्स में। तो इनके अंदर क्या एबसेंट होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम जो पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी उसके अंदर कम्प्लीटली एबसेंट होगा, टोटली एबसेंट। जैसे सिस्टोडा पूरा का पूरा पैरासिटिक ग्रुप है, ठीक है, तो उसके अंदर टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट है। जो फ्री लिविंग स्पीशीज होती हैं उसके अंदर माउथ तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो एनस है, जो जेनेटल पोर है, वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होगा, ठीक है। तो जो सिस्टोडा है, जो पैरासिटिक फॉर्म्स है, उसके अंदर कम्प्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम लैक करेगा, और उसकी जगह हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैरासाइट्स हैं, डाइजेस्ट हुआ हुआ सामान आ रहा है, उन्हें सिर्फ सक करना है उसे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं बॉडी वॉल की। जो टर्बुलेरिया है, जैसे हमने अभी बताया कि टर्बुलेरिया में फ्री लिविंग फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी होती है वो उसमें सिलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल में, ठीक है। जबकि जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, जैसे ट्रीमेटोड्स में जो पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी, क्योंकि मोस्टली पैरासिटिक होता है, और सिस्टोडा तो कम्प्लीटली पैरासिटिक है ही, तो उसके अंदर सिलिएटेड एपिडर्मिस नहीं मिलेगी, ठीक है, सिलिएटेड एपिडर्मिस नहीं मिलेगी। उसमें अंदर क्या मिलेगा? जो बॉडी होगी, बॉडी वॉल होगी, वो क्यूटिकल से कवर्ड होगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्केलेटन की। तो एक्सो एंडो स्केलेटन प्लेटीहेलमिंथेस में एब्सेंट होता है कम्प्लीटली, तो बॉडी सॉफ्ट होगी जब स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, ना एक्सो ना एंडो। डाइव सिस्टम की बात हो गई, ठीक है, ये ब्रांच और इनकम्प्लीट भी फ्री लिविंग फॉर्म्स में है, पैरासाइटिक में कम्प्लीटली एबसेंट होगा। कोई भी स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, अभी डिस्कस कर लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई प्रेजेंट नहीं है स्पेसिफिकली, बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कोई नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स, तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे, उससे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करता है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होगा, ठीक है, पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे विद पेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल नर्व्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो फ्री लिविंग फॉर्म्स में, बिकॉज वहीं जरूरत भी पड़ेगी, फ्री लिविंग फॉर्म्स में सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कीमो रिसेप्टर, टेंगो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर्स, तो ये फ्री लिविंग फॉर्म्स में होंगे जो टर्बल एरिया में, ठीक है, बट पैरासिटिक फॉर्म्स में जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वे होस्ट के अंदर रहेंगे, जनरली एंडो पैरासाइट्स होते हैं। अगर हमने के सेक्सेस की बात करें, तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, तो मोनोशियस है, ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, और इसी कंडीशन को हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। कुछ एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लेन एरिया, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसवर्स फ्यूजन हो जाता है, फिर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी शो करता है, तो रीजनरेशन बाय किससे करेगा? बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक, कि एक लटी प्लेन एरिया है तो उसका एक पीस मतलब वो टूट गया, वो ये आपका कहीं भी जो डैमेज हो गया वो, ठीक है, तो उसका एक फ्रेगमेंट भी पूरे ऑर्गेनिज्म में वो रिजनरेट कर जाएगा, क्लियर, तो इसी रिजनरेशन कह रहे हैं। तो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ठीक, मोनोशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, जैसा हम उसके अंदर देखेंगे आर्टिनिया सोलियम में, कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, हमने कहा जो सिस्टोडा क्लासेस में सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वरना बाकी प्लेटी एलिमेंट पूरा अनसेगमेंटेड है, ठीक है, तो
तो जो सेगमेंट्स होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है, उसमें जो हमारे मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं उसके अंदर, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में मेल एंड फीमेल, क्योंकि मनुष्य से तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों एक में ही प्रेजेंट है, ठीक है, मेल भी है और फीमेल भी है। अब हम कह रहे हैं क्रॉस भी हो जाती है। क्रॉस कैसे हो जाती है कि मेल, जैसे इसका जो मेल है, ठीक है, इसका जो मेल कंपोनेंट है, इसमें से स्पर्म्स किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरे जो प्रोगोलेटेड होगा, ठीक है, टीनिया सोलियम सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट जो प्रोगोलॉटिड्स हैं, डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। बात बाकी पॉली एम्ब्रियोनी भी हो जाती है इनके अंदर, और तो पार्थेनोजेनेसिस भी हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ट्रीमेटोड्स में, ठीक है, ट्रीमेटोड्स में बिना फर्टिलाइजेशन की जो जाइगो जो भी फर्दर जनरेशन बन रही है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के जाइगोट फॉर्म हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन हम क्लासेस तक पढ़ना है हमें, ठीक है। तो मेन थ्री क्लासेस क्या हैं इसकी, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। तो तीन क्लासेस में हमने डिवाइड किया प्लेटेलमेंथिस को, टर्बुलेरिया जो कि कम्प्लीटली फ्री लिविंग होगा, ये कम्प्लीटली फ्री लिविंग है, ठीक है। जो पैरासिट, जो ट्रीमेटोडा है ये मोस्टली पैरासिटिक है, मोस्टली मीन्स कुछ फ्री लिविंग भी होंगे, और सिस्टोडा जो है वो कम्प्लीटली पैरासिटिक है, कम्प्लीटली पैरासिटिक है, ठीक। तो सबसे पहले हम टर्बुलेरिया की बात करते हैं। जो टर्बुलेरिया है ये फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, मैरीन वाटर में भी मिल सकता है, बट ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। इन्हें एडीवॉर्म्स भी कहते हैं। जो बॉडी होगी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी, चपटी होगी, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हुक्स और सकर्स किस में प्रेजेंट होंगे, पैरासाइटिक फॉर्म्स में। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स में हुक एंड सकर्स प्रेजेंट हैं, और कोई भी और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली एबसेंट है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसमें पॉइंट लिखा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट, ब्रांच्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्या क्या प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा बट एनस एबसेंट होगी, ठीक है। और सेंस ऑर्गन्स इन आपकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर एबसेंट होते हैं, इनके अंदर फीडिंग फॉर्म्स में, जैसे टेंगो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, बिकॉज ये वे तो अंदर एंड पैरासाइट्स हैं, तो वो बॉडी में रहेंगे, उन्हें किसी उन्हें कोई माइग्रेट नहीं करना, कोई फूड नहीं ढूंढना, ठीक है। बट जो फीडिंग फॉर्म्स हैं वे एनवायरमेंट में, है ना, एनवायरमेंट में रहेंगे बाहर, तो उन्हें वही ऑब्वियस बात है कि फूड की सर्च करेंगे, ठीक है, और प्रिडेटर से बचेंगे अपने, तो उस सब के लिए सेंस ऑर्गन चाहिए होते हैं। और एग्जांपल हो गया प्लेनेरिया एंड ऑटोप्लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीमेटोडा की। ट्रीमेटोडा में मोस्टली पैरासिटिक होंगे, बॉडी अनसेगमेंटेड, टर्बुलेरिया में भी होगी और ट्रीमेटोडा में भी होगी, ठीक है। और जो ये डॉर्सलो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, लीफ लाइक होंगे, मेनली क्या लीफ लाइक होंगे, ठीक है, इन्हें फ्लूक्स भी कहते हैं। और जो टर्बुलेरिया उन्हें क्या कहते हैं, एडीवॉर्म्स, ठीक। ऐसे सिस्टोडा को टैप वॉर्म्स कह देते हैं। जो बॉडी होगी वो क्यूटिकल से कवर्ड होगी, मैंने ऊपर भी पढ़ा था कि जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर, जैसे टर्बुलेरिया में, कि जो बॉडी वॉल है वो किस किसकी बनी है, सिलेटेड एपिडर्मिस की, बट जो सिलेटेड एपिडर्मिस है वो एबसेंट है किसके अंदर, ट्रीमेटोडा में, और जो सिस्टोडा है, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म्स में एबसेंट है, ठीक। एग्जाम्पल्स के तौर पे फेसियोला हिपैटिका, शीप लीवर फ्लूक्स, साइजोस्टोमा ब्लड फ्लूक्स, पैरागोनिमस लंग फ्लूक फॉर्म, ऑफिस्टोक्रेस ह्यूमन लीवर फ्लूक और चाइनीज लीवर फ्लूक, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टोडा की। जो सिस्टोडा है, सिस्टोडा जो क्लास होगी वो क्लास होगी वो एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासिटिक होगी, यानी कि सारे के सारे पैरासिटिक हैं, ठीक है। और हमें पता है एंडो पैरासिटिक हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स में कोई भी सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एबसेंट होगा, ठीक है। और जो बॉडी होगी, बॉडी में सीलिएटेड एपिडर्मिस नहीं प्रेजेंट होगी, बॉडी वॉल में क्यूटिकल से कवर्ड होंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वही सेम है। आपको समझना है कि पैरासिटिक फॉर्म्स कौन कौन किस क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है, और पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता, तो काफ़ी पॉइंट्स अपने आप ही बन जाएंगे।
बॉडी सेगमेंटेड होगी। सिस्टोडा में बॉडी सेगमेंटेड है, हमने ऊपर भी स्टडी किया था जनरल करेक्टरिस्टिक्स में, उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। ये इनकी रिबन लाइक बॉडी होती है और इन्हें टैप वॉर्म कहते हैं। एडी वॉर्म्स किन्हें कहेंगे, ट्रिबिलेरिया को, ट्रिमेटोडा को कहेंगे फ्लूको वॉर्म, सिस्टोडा को कॉमनली कहेंगे टैप वॉर्म्स। नर्वस सिस्टम इनके अंदर, ये तो जनरली सब में सेम ही होता है, पेयर ऑफ गेंगलिया एंड 1 2 3 पेयर्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ठीक। हुक्स सकर्स प्रेजेंट होंगे बिकॉज एंडोपैरासाइट्स हैं, ट्रिमेटोडा में भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया पॉक टैप वॉर्म, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, बीफ टैप वॉर्म, इकाइनोकोकस, डॉग टैप वॉर्म, हिम्नोलेपिस स्मॉलेस्ट टैप वॉर्म इन मेंस इंटेस्टाइन। और ये क्या है, मोनोजेनेटिक। जो डायजेनेटिक होते हैं, यानी मैंने पहले ही बताया था कि दो होस्ट होंगे, एक प्राइमरी होस्ट होगा, एक इंटरमीडिएटरी होस्ट होगा उसकी लाइफ साइकिल में उस पैरासाइट की। लेकिन जो मोनोजेनेटिक है, जैसे हिम्नोलेपिस मोनोजेनेटिक है, तो ये सिर्फ मैन के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे जो टीनिया सोलियम है, उसका प्राइमरी होस्ट क्या, मैन प्राइमरी होस्ट, ठीक है, मैन है। और जो इंटरमीडिएटरी होस्ट है, फिर कहें सेकेंडरी होस्ट है, वो क्या है, पिग, पॉर्क, ठीक है। तो वो दो में रह रहा है, दो होस्ट में रह रहा है, तो इसलिए डायजेनेटिक हुआ। लेकिन जो हिम्नोलेपिस है वो मोनोजेनेटिक होगा, तो एक ही सिर्फ मैन में रहेगा, एक ही होस्ट में। अब हम थोड़ी सी, जैसे प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, ये फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर में मिलेगा, ग्लास पता है आपको, ट्रबल एरिया में आएगा। नॉक्टर्नल होगा, रात में निकलता, कैनाबेलिक, स्लो क्रीपिंग, ओमनीवोरस आइटम्स पता होंगे जनरली आपको, ठीक है। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा और एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली में पता है ट्रांसवर्स फ्यूजन भी होता है ना, ऊपर पढ़ा है हमने, एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन से क्या तरीका है, रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे सुंदर कह रखा है हमने कि ये रीजनरेट कर जाता है, तो रीजनरेशन किसके थ्रू करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही करता है, तो वो भी एक ट्राइब का रिप्रोडक्शन ही हो गया, ठीक है। फेरिंग्स इवर्टेड होता है इसके अंदर प्लेन एरिया में। अब हम बात करते हैं फेसियोल हेपेटिक का, शीप लीवर फ्लू को, जो क्लास ट्रिमेटोडा में प्रेजेंट है, हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। ये डायजेनेटिक पैरासाइट है, यानी दो होस्ट होंगे, प्राइमरी जो होस्ट होगा वो शीप होगा या फिर गोट होगी, और जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो गार्डन स्नेल होगा। गार्डन स्नेल में हम प्लेनोरबिस भी कह सकते हैं और लिमनिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, ये शीप की लीवर या बाइल डक्ट में लीवर रॉट या सिरोसिस डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। अब हम इसमें लार्वल स्टेजेस देख लेते हैं, क्या क्या लार्वल स्टेजेस होंगी, इंपॉर्टेंट है काफी। तो सबसे पहली लार्वल स्टेज जो होगी मेरिसीडियम, ये किस में एंटर करेगी, ये स्नेल में एंटर करेगी, यानी सेकेंडरी होस्ट में, ठीक है। उसमें फिर क्या आएगी, स्पोरोसिस्ट, मतलब फिर उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है लार्वल स्टेजेस के अंदर। मेरिसीडियम से बनेगी स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से बनेगी रेडिया, रेडिया के बाद कौन सी स्टेज आएगी, करकेरिया, एंड देन मेटा करकेरिया। तो मेटा करकेरिया होगी वो जो शीप होगी वो शीप को इन्फेक्ट करेगी, यानी प्राइमरी होस्ट को, शीप हुई या फिर गोट हुई, ठीक है। अंदर फर्दर डेवलप होकर एडल्ट फ्लूक बन जाएगी, देन फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वापस अल्टीमेटली माइक्रो मेरिसीडियम स्पोर जो लार्वल स्टेजेस हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, तो ना, तो लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बट हमें मेन बात क्या कि लार्वल स्टेजेस ध्यान रखनी है, कौन कौन सी और कौन सी लार्वल स्टेज किसे इन्फेक्ट करते हैं, कि मेरिसीडियम स्नेल को इन्फेक्ट करेगी और मेटाकरकेरिया जो है शीप को इन्फेक्ट करेगी, ठीक है, लिखा भी है नीचे। अब बात करते हैं शाइजोस्टोमा ब्लड फ्लू की, भी क्लास ट्रिमेटोडा का ऑर्गेनिज्म है। तो ये ह्यूमन ब्लैडर में की वेन्स में मिलता है और इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल होता है। और इसमें देखो क्या होगा, जो जो मेल होगा वो फीमेल को कैरी करेगा अपने साथ ही, उसके अंदर ग्रूव होता है, उस ग्रूव को कहते हैं गैनोकोफोरिक कैनाल, ठीक है। तो उसमें फीमेल को कैरी करता है, इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कि मेल और फीमेल डिफर करेंगे, सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स के एस्पेक्ट में ही नहीं, बट और भी करेक्टरिस्टिक डिफरेंस होंगे, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं, इसमें प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल। वही फेसियल हेपेटिका में कौन था सेकेंडरी होस्ट, स्नेल था, ठीक है, प्लेनोरबिस या लिमनिया कोई भी हो सकता है, और जो प्राइमरी होस्ट थी वो थी शीप या कॉट। बट इसके अंदर साइजोस्टोमा में, यानी ब्लड फ्लूक के अंदर,
प्राइमेजियोस्ट मैन है। इसकी लार्वल स्टेजेस देख लेते हैं, मिरासीडियम, ठीक, स्पोरोसिस्ट, कैरकेरिया, सिर्फ इसके अंदर यही है, ठीक है, रेडिया बीच में और मेटाकरकेरिया नहीं है, ठीक है। तो मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट एंड कैरकेरिया, और वही मिरासीडियम स्नेल को इफेक्ट करेगी और कैरकेरिया ह्यूमन को इफेक्ट करेगी, ठीक है, उसके अंदर ये ह्यूमन के लिए पैरासिटिक होगी ये वाली स्टेज। और ये कैसे आ जाती है जनरली, जब ह्यूमन पॉन्ड्स में बात कर रहे होते हैं तो उनकी स्किन बोर करके, ठीक है, तब एंटर कर जाते हैं वाले जो लार्वा हैं, कैरकेरिया लार्वा, लीवर को डैमेज करेंगे, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे। और ये क्या कॉज करते हैं इन्हें, मतलब ये सिम्टम है किसके, शेजोस्टोमा और बिलारजिया डिजीज कॉज करते हैं ये, क्लियर। अब बात करते हैं टीनिया सोलियम की, इसे हम भी डिटेल में भी स्टडी करेंगे इसके लाइफ साइकिल को। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो यानी दो होस्ट होंगे, प्राइमरी होस्ट मैन होगा, सेकेंडरी होस्ट पिग है। इसमें जो लार्वल स्टेजेस हैं उनके नाम क्या है, ऑनकोस्फेयर लार्वा, हेक्साकेंथ, ब्लैडर वॉर्म, सिस्टिकेरस, ठीक है। यहाँ पे भी जो ऑनकोस्फेयर लार्वा है किसे इन्फेक्ट करेगा, पिग को इन्फेक्ट करेगा। और जो सिस्टिकेरस लार्वा होता है, जब हम ये क्या होता है, पिग की जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है ये जो इन्फेक्टेड पिग है, ठीक है। तो जब जो पॉर्क है जब उसे खा रहे होते हैं, अनकुक्ड होता है या फिर रॉ होता है, ठीक है, मतलब वही की बात है। तो अनकुक्ड जब हम पॉर्क ले रहे होंगे जो सिस्टिसेरस लार्वा से इन्फेक्टेड होगा, तो तब वो सिस्टिसेरस लार्वा ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर और डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे वे रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेंगे, ऑनकोस्फेयर, जो जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं उसमें ऑनकोस्फेयर पास कर देंगे, ठीक है, फिशेज में फिर पास होगा, फिर पिग ईट कर लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर पिग के अंदर जो हमने कहा ना ऑनकोस्फेयर लार्वा पिग को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये फिर से पिग को इन्फेक्ट कर देंगे, फिर ये साइकिल चलेगी कंटिन्यूसली। अभी हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे इसको। सो लिखा है इसके अंदर, मैन गेट्स इन्फेक्टेड बाय ईटिंग अनकुक्ड पॉर्क कंटेनिंग इंसिस्टेड लार्वा, ठीक, सिस्ट प्रेजेंट होगी सिस्टिसेरस लार्वा के अराउंड, और वो जब पिग की स्टमक में जाते हैं तो वहाँ पे डिजॉल्व हो जाती है सिस्ट और सिस्टिसेरस लार्वा बाहर आ जाता है। जो प्राइमरी स्टेज को जो जो प्राइमरी होस्ट है उसे कौन सी इन्फेक्ट करे, सिस्टिसेरस, और सेकेंडरी होस्ट को ऑनकोस्फेयर, ठीक है। और ये क्या कॉज करते हैं, टीनियासिस या फिर सिस्टिसेरोसिस, ठीक है।